ऐसा हुआ कि महाराज जी की जो दिव्य लीलाएं हैं, पता चला कि यमुना जी पार कर गए, या कहीं सरयू जी में हैं तो सरयू जी पार कर गए, या खड़े खड़े चलते चले गए। जी हाँ, ये सब योग बल का प्रभाव है। योग बल का, योग बल का प्रभाव है। योग से जो है जी, योग में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अणिमा गणिमा लघुमा, ये आठ प्रकार की सिद्धियां होती हैं। आठ प्रकार की। तो महाराज जी योग सिद्ध थे, महाराज जी योगी थे जी, और महाराज जी को योग सिद्ध था। अच्छा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हनुमान जी को कहा गया अष्ट सिद्ध नवनिधि केदार। जी हाँ जी, अष्ट सिद्ध नवनिधि केदार। जो ये आठ सिद्धियां, ये यही सिद्धियां हैं। हाँ हाँ, सब यही है। अच्छा, ऐसे भी उतना हल्का शरीर हो जाता अपने है। शरीर को, शरीर को इतना वो हल्का कर लेते हैं वायु में, वायु के द्वारा, वायु के द्वारा, कि वो पानी के अंदर उसमें डूब नहीं सकता है। जी जी जी। तो महाराज जी मंच पे ही बहते बहते पटना पहुंच गए थे। मंच पर बहते हुए। जी हाँ, कई बार सुनने में लोगों के द्वारा ऐसा भी प्रतीत होता कि महाराज जी हम तो अभी यहाँ दर्शन किए हैं। हाँ, थोड़ी देर बाद बात जो आई है, ये बहुत बड़ी बात बताई आपने। थोड़ी देर बाद आपको वहाँ दर्शन, वहाँ दर्शन हुआ। तो ये है, ये क्या होता है, ये योग से होता है। जी 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 जी, योग में इतनी सिद्धियाँ हो जाती है जी जी, कि व्यक्ति अपने शरीर को अदृश्य कर लेते, अदृश्य कर लिया करता था वो हवा के द्वारा, हवा के द्वारा, हवा में ही विलीन होकर के वो दूसरी जगह दर्शन होता था। जी दोस्तों, दुनिया की दिव्य और अलौकिक ब्रज धाम भूमि पर संतों की ये यात्रा, संतों का दर्शन और संतों का आशीर्वाद हम सबको लगातार मिल रहा है। लेकिन इस यात्रा में एक ऐसी यात्रा जुड़ रही है जो मेरे जीवन की सबसे अनुपम, सबसे अलौकिक और सबसे पुण्य है। मुझे गर्व भी हो रहा है और मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि आज दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ तपोनिष्ठ संत पूजनीय देवराहा बाबा जी के एकमात्र ऐसे शिष्य का दर्शन कराने जा रहा हूँ जो पूजनीय देवराहा बाबा जी के साथ लंबे समय तक रहे, उनकी सेवा की, और एकमात्र ऐसे संत हैं जो अभी उनके बहुत सारे जीवन से, यात्रा से जुड़ी हुई बातों को जानते हैं, और बहुत सारी अलौकिक दिव्य चीज़ें जो देवराहा बाबा जी के साथ में रही हैं उनके बारे में उनको जानकारी है। हम सब जानते हैं कि देवराहा बाबा जी के साथ में, पास में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नेहरू जी, तमाम दिग्गज देश के, दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते थे। लेकिन और कौन कौन महाराज जी के पास आया करते थे, आशीर्वाद लिया करते थे, कहाँ कहाँ पर उनके स्थान रहे, कहाँ कहाँ पर उन्होंने तपस्या की, इन सब के बारे में गूढ़ जानकारी मुझे लगता है बहुत सारे कम लोगों को पता है। तो पूजनीय महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद जी। महाराज जी का जो है दर्शन सर्वप्रथम करीब 67 में, 1967 में जी, मैं महाराज जी के सानिध्य में आया, और जब से लेकर के जी, और जब तक महाराज जी का शरीर रहा तब तक महाराज जी के सानिध्य में मैं रहा। महाराज जी के समय में जब हम लोग थे, हम लोगों से पहले जी, मतलब हमारे से पहले महाराज जी स्वयं बताते थे कि बच्चा हमारे दर्शनों में मोतीलाल जी आते थे जी, उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, जैसे महाराज जी मोतीलाल नेहरू आते थे तो फिर तो जवाहरलाल नेहरू बचपन में बहुत बहुत छोटे थे, करीब ऐसे 10-12 साल की अवस्था उनकी हुआ करती थी जी, जब वो महाराज अपने पिताजी के साथ में आते थे, आया करते थे, आया करते जी, थे जी, और बाद में उनके जो है जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में जी, इंदिरा जी, जी आया करती थी, वो भी बहुत छोटी हुआ करती थी, उन्हीं के समकक्ष में, जी, हाँ, जी, जी। जो छोटे से अवस्था जब बचपन में नेहरू जी के साथ आया, नेहरू जी के साथ आया करती थी जी। तो ऐसे ही जो है, और महाराज जी के शिष्यों में से और महाराज जी के भक्तों में से बहुत बड़े बड़े लोग आते थे जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी महाराज जी के, अभी जब तक वो राष्ट्रपति नहीं थे उससे पहले भी महाराज जी के दर्शनों में आते थे। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब राष्ट्रपति नहीं थे उससे पहले आया उससे करते। पहले भी महाराज जी के दर्शनों में आते थे जी। और पटना हाई कोर्ट के बहुत बड़े बड़े जो जज, वो महाराज जी के सानिध्य में आते थे, महाराज जी के दर्शन में जी। जो है बाबू सियाराम नाम था, एक पटना हाई कोर्ट के रिटायर जज थे, वो महाराज जी की सेवा में आते थे। डॉक्टर ये जगजीवन राम जी, जगजीवन जो
प्रधानमंत्री रहे बाद में जी, उससे पहले से आते थे। अच्छा, पहले से आते। उन लोगों को मैंने अपने हाथों से कई बार भगवत प्रसाद बना करके और उनको मैंने दिया है जी, जी, जो जी। पटना के जज आते थे जी। और इस तरीके से महाराज जी, उस समय महाराज जी मीडिया का बहुत सारा युग नहीं था, और बहुत सारे साधन नहीं थे, लेकिन कैसे भक्तों को इन सब को पता चल जाता था और कैसे जानकारी करके महाराज जी? आम जनता के द्वारा प्रचार, जनता के द्वारा, जनता से सुन करके आते थे महाराज जी के दर्शनों में। और पहले के जो नेता हुआ करते थे, बड़े सज्जन प्रकृति के होते थे, उन्हें संतों का नाम सुन करके अथवा अपने से बड़े संतों के दर्शन की लालसा रहती थी, इसलिए वो आते थे। राजनीति सीखने के लिए आते थे, राजनीति के बारे में जानने के लिए महाराज जी के पास आते थे। और जब कहीं गड़बड़ कुछ होता था तो मन में शंका होती थी तो गुरुदेव महाराज ठीक करेंगे, बिल्कुल आते थे जी। जब इंदिरा जी जब हारी थी जी, जब महाराज जी का दो बैलों का निशान हुआ करता था पहले कांग्रेस का, महाराज जी के पास जब दर्शनों में आई जी इंदिरा जी जी, उस समय मैं था जी, जी। उस समय में, अच्छा, उस समय थे आप? उस समय हम मंच के पास थे। अच्छा, जब इंदिरा जी आई थी, मतलब ये किस जगह की बात है? ये देवरिया की बात है, देवरिया पहुंची थी इंदिरा। हाँ, देवरिया मंच के पे आई थी महाराज जी के दर्शनों में जी, शाम के समय, रात्रि के समय, और उस समय हम लोग थे वहाँ थे, तो हम लोगों को थोड़ा दूर रख दिया गया क्योंकि उनसे अलग से बात करने के लिए। तो महाराज जी ने उनको अपने चरणों से जी, सिर के ऊपर पैर रख करके आशीर्वाद दिया जी, और महाराज जी ने अपना हाथ का पंजा, आशीर्वाद का पंजा कवंजा दिया, तो तब से इंदिरा जी फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनी थी जीत करके जी, जी, ये हम लोगों के सामने। इन्हें नीत मार्ग, धर्म मार्ग जी, हाँ, ये सब हाँ बिल्कुल आती थी। जो भी कभी संकट होता था, कभी मन में उनके जानने की इच्छा होती थी, महाराज जी के पास आती थी जी। और उससे भी बहुत बड़े बड़े नेता बाद में भी, पहले भी, मुलायम सिंह वगैरह और तमाम, इससे अब मैं नाम क्या बताऊं, अनेक नेता लोग आते थे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इतने बड़े संत के पास इतने लोग आ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी राजनीति सीखने के लिए, राजनीति में जानने के लिए, और उसके जो है गुण स्वार्थ रहता था लोक कल्याण के लिए, लोगों का कल्याण हो जी हाँ, लोगों के कल्याण के लिए आते थे, क्योंकि महाराज जी का दर्शन भी लोक कल्याण के लिए ही होता था जी, जी। महाराज जी वैसे आम लोगों को दर्शन नहीं देते थे जी, बाद में प्रार्थना करने पर महाराज जी ने जनता को दर्शन देना स्वीकार किया, न तो पहली अवस्था में महाराज जी किसी को दर्शन नहीं देते थे, किसी को भी नहीं देते थे, केवल मंच से हाथ का महाराज जी का दर्शन होता था जी, दूर से उससे पहले। तो बाद में सब लोगों ने कहा, तमाम भक्तों ने आग्रह किया कि महाराज जी, जीव का कल्याण कैसे होगा, संसार का कल्याण कैसे होगा, तो महाराज जी ने दर्शन देना स्वीकार किया और फिर आकर के कुछ देर के लिए मंच पर महाराज जी आशीर्वाद ही देते थे और दर्शन देते थे। आपका जुड़ाव कब हुआ, किस सन में हुआ? हमारा जुड़ाव सन 1967 से हुआ महाराज जी से, जी जी। और महाराज जी का शरीर जब तक यहाँ वृंदावन में रहे जी, तब तक मतलब हम लोग साथ में सेवा में रहते हैं, हम लोग किसी न किसी प्रकार की सेवा में रहते ही थे। तो 1967 में देवरिया में आपका जुड़ा हुआ है? जी हाँ, 1967। तो उस समय तो आपकी उम्र जो है, हमारी उम्र उस समय 15-16 वर्ष थी जी, जी जी। तो फिर सेवा में लग गए गुरुदेव महाराज? हाँ, महाराज जी का मैं शिष्य बना और सेवा में जब से महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, महाराज जी के ही सानिध्य में मैं रहा जी जी जी। तो एक ये समझ में नहीं आता कि महाराज जी कभी प्रयागराज भी रहे हैं, कभी वृंदावन आए हैं, ऐसी चर्चा आती है हिमालय पे भी निकल जाते थे। तो इतनी जगह पर ऐसे आश्रम बनाना, मंच मचान बनाना और फिर आगे बढ़ते जाना, ये सब जो है संतों का एक होता है। संत जो है, संत सुखी विचरंत मही, संत विचरंत मही, ऐसा रामायण की एक छंद में आता है जी। तो संतों का जो होता है जगत कल्याण के लिए, वो मही विचरण करते हैं और विचरण करने से उनको सुख दुख का अनुभूति होती है, त्याग होता है मन में, वैराग्य उत्पन्न होता है जी, और दूसरों के कल्याण की भावना जागती है जी, जीव के ऊपर दया करने की जी। तो महाराज जी इस उद्देश्य से कभी कहीं रहा करते थे। महाराज जी करीब 8 महीने देवरिया में रहते थे और उसके बाद देवरिया में फिर उसके बाद 1 महीने प्रयागराज में, देवरिया से ही सीधे प्रयागराज आते थे, प्रयागराज में माघ में रहते थे, उसके बाद फिर वृंदावन आते थे। वृंदावन में यहाँ रामनवमी तक
यहाँ भी रुकते थे, यहाँ रुकते थे। यहाँ के बाद फिर महाराज जी हिमालय में चले जाते थे। अच्छा जी, ऋषिकेश देहरादून के ऊपर हिमालयों में चले जाते थे। फिर उनके साथ में कोई नहीं होता था, कोई भी नहीं, कोई भी शिष्य को लेकर के नहीं जाते। अच्छा, शिष्य को भी नहीं लेते थे? नहीं, किसी शिष्य को नहीं, महाराज जी स्वयं अकेले ही उधर हिमालय में विचरण करते थे। 3 महीना साधना तपस्या के लिए, साधना तपस्या के लिए 3 महीना विचरण करते थे। और अपने संतों से जो जो वैसे अदृश्य संत हैं उनसे मिलना जुलना, उनसे जो संत होते थे अदृश्य, जी हाँ, जो सिद्ध संत हुआ करते थे अदृश्य जो, तो उनसे महाराज जी का मुलाकात होती थी, महाराज जी का दर्शन उनको, उनका दर्शन होता था। और उस अवस्था में महाराज जी 3 महीने तक उधर रहते थे। उसके बाद फिर सीधे बनारस आते थे। बनारस 1 महीना बनारस में गंगा जी के, रामनगर और 80 के बीच में गंगा जी में महाराज जी का मंच लगता था। गंगा जी के बीच में, बीच में उसमें पानी में, जल में ही। अच्छा, और नौका से ही दर्शन होता था। नौका से दर्शन होता था, जी हाँ। अच्छा, तो 1 महीना महाराज वहाँ रहते थे। वहाँ के बाद फिर उस समय गंगा जी का जो प्रवाह था वो जी गंगा नहीं, गंगा के साइड में बीच में ही मंच लगता था। अच्छा, उसी में गाड़ते थे मंच, मंच हाँ, मंच पानी में ही, और नौका से ही लोग आते थे, दर्शन करके नौका से ही वापिस चले जाते थे। जी जी, उसमें करपात्री जी महाराज जी और काशी के बड़े बड़े विद्वान जी संपूर्णानंद जी स्वयं लोग, मतलब कई बार आते थे दर्शन करने के लिए और शास्त्रार्थ करने के लिए, जिज्ञासा उसमें जानने के, जो उनकी जानने की इच्छा होती, तो महाराज जी के दर्शन करने में वहाँ आते थे बनारस में। और 1 महीना महाराज जी वहाँ रह करके तब फिर वापस देवरिया को जाते थे। तो देवरिया में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा, देवरिया में हमेशा भक्तों का सैलाब रहता था जी। और बड़े बड़े नेता प्राय वहाँ जाया करते थे। जी जी, जैसे आप इतने वर्षों से रहे हैं, 1967 से एक लंबा अरसा होता है, और दुनिया के श्रेष्ठ तपोनिष्ठ संत के साथ, तो मचान पर कैसे आना हुआ और मचान पे कैसे महाराज जी का दर्शन का स्वरूप हुआ? महाराज जी मचान पर पहले तो भारत में भ्रमण करते थे, जब बहुत छोटी अवस्था थी महाराज जी की जी उस समय। उसके बाद फिर महाराज जी ने जो है अपना तप करने के लिए सरजू का किनारा चुना, सरजू का किनारा चुना। उस समय सरजू के आसपास इलाकों में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर तक जंगल हुआ करते जंगल थे, जिसमें झाऊ वगैरह ये सब बड़े बड़े वृक्ष पेड़ जी हुआ करते थे जी। उनके सरजू के किनारे अपना जो है रहते थे। तब उसमें सरजू के किनारे कभी दलदल रहता था, कभी कीचड़ रहता था, कभी पानी रहता था जी। इन सब चीज़ों से साधना में व्यवधान न उत्पन्न हो जी, और जल का सान्निध्य रहे। इसलिए महाराज जी मंच लगाया करते थे बांस के प्रारंभ में, छोटे छोटे बांस लकड़ी इत्यादि के गाड़ करके उस पर अपना एक बैठ करके अपना साधना करते थे महाराज जी। अच्छा, करते थे जी। उसके बाद फिर धीरे 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 प्रभु हुआ, व्यवस्था बनी, तो मचान से नाता इतना जुड़ गया। हाँ, मचान से नाता जुड़ गया और मंच वाले बाबा बोलने लगे जी जी। मचान जो कोई भी ग्वारिया वगैरह जंगल में, तो गाय या चराने के लिए ग्वारिया जाया करते थे, जाते थे, उनके माध्यम से लोगों को धीरे धीरे पता पड़ने लगा जी। तो लोग दर्शन करने के लिए इक्का दुक्का जाया करते थे जी। फिर धीरे धीरे तो सैलाब हो गया, सैलाब जाने लगा जी जी। तो महाराज जी का इस प्रकार से हो गया, और मंच जो है वो व्यवधान न हो भजन में, इसलिए महाराज जी मंच के ऊपर रहते थे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मंच की व्यवस्था हो गई। सरजू जी वहाँ से दूर चली गई, पीछे को हट गई, तो महाराज जी का वहाँ अस्थाई रूप से मंच बन गया। और महाराज जी वहाँ करीब करीब 50 या 60 वर्ष तक अस्थाई रूप से एक मंच पे ही रहे महाराज जी, कहीं नहीं गए। उसके बाद 62 में जो है महाराज जी जो है प्रभुदेव ब्रह्मचारी जी के आग्रह पर जी वृंदावन पधारे। 62 में आए हैं जी, 1962 में जो एक बहुत जानकारी बड़ी है कि 62 में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के आग्रह पर आए वृंदावन पधारे। और महाराज जी के सरजू जमुना के किनारे मंच लगा, महाराज जी उस पर रहे जी जी। तब से महाराज जी का प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने कई बार हर साल मतलब प्रायः करते रहे। उसके बाद फिर बाद में माँ श्यामा थी
माँ श्यामा जी, माँ श्यामा ने कई बार मंच लगाया, महाराज जी को बुलाया आग्रह करके जी। इस प्रकार से महाराज जी का वृंदावन में आना हुआ जी। और महाराज जी वृंदावन में फिर अंत समय आकर के शरीर जो है यहीं पर शरीर महाराज जी का यहाँ पर महाराज जी ने समाधि ली जी जी यहाँ पर। अच्छा, जैसे मंच की महाराज जी बात आ रही है तो वृंदावन में जब रहे तो क्या एक स्थाई यही मंच रहा कि और जगहों पर? अस्थाई मंच अस्थाई नहीं था, मंच बदलता था, मचान जी से कहते जी हाँ, जिसको मचान कहते थे, कभी किसी कभी किसी साइड में, कभी बस किसी कहीं, कभी किसी वृंदावन में भी मचान इधर से उधर। हाँ जी अच्छा हाँ जी। किन किन जगहों पे आपने देखा? वृंदावन में तो मैंने केसी घाट पे देखा था, इस पार यमुना, इस पार उस पार, उस पार, उस पार, इस पार तो इस पार तो कोई प्रश्न ही नहीं है, यमुना के उस पार केसी घाट पे कई बार मंच लगा। अच्छा, जब यमुना जी केसी घाट के नजदीक बहती थी जी, उसके बाद फिर पानी घाट पे लगा, सुदामा कुटी के सामने मंच लगा जी, फिर पानी घाट पर लगा। अच्छा, पानी घाट उस समय बसावट तो रहती नहीं होगी? नहीं, बसावट नहीं थी, पूरा वहाँ भी पानी घाट पे भी मंच लगा। हाँ, पानी घाट जी, सरजू के किनारे, मतलब ऐसा था जहाँ शांत वातावरण और जमुना जी का जो रेता, शुद्ध रेता मिल जाए, मैदान थोड़ा सा, वहाँ मंच लग जाता था। कोई अस्थाई रूप से, अस्थाई रूप से मंच तो बाद में बना। हाँ, जी। बाकी केसी घाट, पानी घाट और जहाँ पर आज है मंच, हाँ, वहाँ पर भी मचान वहाँ। हाँ, जहाँ पर अब लगा है इस समय मचान है, वहाँ पर तो अब काफी दिनों से है। जी। तो महाराज जी जैसे आते हैं दर्शन करने देश भर के, विदेश से भी बहुत सारे भक्त जुड़े, विदेश से भी बहुत सारे भक्त लोग आते थे महाराज जी के, बहुत जी। दूर दूर से तमाम देशों से लोग आते थे जी। महाराज जी के जो दुभाषिया होते थे उनसे महाराज जी संवाद करते थे। अच्छा, विदेश के भक्तों से भी बात करते थे? जी हाँ, बात करते थे, पर दुभाषिया के माध्यम से बात करते जी। थे जी। कई बार ऐसा हुआ कि महाराज जी की जो दिव्य लीलाएं हैं, पता चला कि यमुना जी पार कर गए, या कहीं सरयू जी में है तो सरयू जी पार कर गए, या खड़े खड़े चलते चले गए। जी हाँ, ये सब योग बल का प्रभाव है, योग बल का प्रभाव है। योग से जो है, योग में सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अणिमा गणिमा लघुमा, ये आठ प्रकार की सिद्धियां होती हैं, आठ प्रकार की। तो महाराज जी योग सिद्ध थे, महाराज जी योगी थे जी। और महाराज जी को योग सिद्ध था। अच्छा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हनुमान जी को कहा गया अष्ट सिद्ध नवनिधि केदार। जी हाँ जी, अष्ट सिद्ध नवनिधि केदार, जो ये बता रहे हैं आठ सिद्धियां, ये यही सिद्धियां हैं। हाँ हाँ, सब यही है, अणिमा गणिमा महिमा लघुमा प्रतिमा, ये सब इस प्रकार की अष्ट आठ प्रकार की सिद्धियां। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर मन में इच्छा हुआ तो महान बन गए, बड़े से बड़े हो गए, शरीर बढ़ा लिया। इच्छा अगर वैसी हुई तो लघु हो गए, छोटे से छोटे हो गए। अच्छा, तो ये सब योग की सिद्धियां हैं जी। और आप पानी की जो बात करते हैं, जल पे जो यमुना में चलना फिरना, ये तो योग बल के, तपो बल के आधार पे साधना का है। एक प्लावनी आसन होता है, प्लावनी मतलब उसमें प्राणायाम के द्वारा करते हैं जी। तो उससे व्यक्ति पानी के अंदर डूब नहीं सकता है। अच्छा, वो जो बैठ करके जा सकता है, चल करके जा सकता है, जल पर चलते हुए भी चलते जी हाँ, कि जैसे सड़क पर फर्श पर चल रहे वैसे जी हाँ। अच्छा, ऐसे भी उतना हल्का शरीर हो जाता अपने है, शरीर को इतना वो हल्का कर लेते हैं वायु में, वायु के द्वारा कि वो पानी के अंदर उसमें डूब नहीं सकता है। जी जी जी, उसमें हल्का पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं बहुत देर तक, जब तक साधना होती है। हाँ, तो काफी देर तक वो जो है महाराज जी इसी प्रकार से जी सरजू के किनारे, जब पहले मंच की जो बात हो रही थी जी, तो मंच एक प्रकार से रात्रि के समय पानी आया सरजू में और मंच कट करके बहने लगा और महाराज जी मंच पे ही थे। अच्छा, मंच पे ही थे, बैठे थे। अच्छा। तब शिष्य जो दो चार शिष्य रहते थे जी, शिष्यों ने कहा कि सरकार अब तो मंच बह रहा है, आप उतर आइए। तो बोले बच्चा बहने दो, अब जहाँ जाएगा वहाँ जाएंगे। अच्छा जी हाँ, ये किस सन की बात होगी? ये बहुत पहले, करीब मैं समझता हूँ कि 50 से पहले की बात है जी। अच्छा, उस समय आप नहीं थे, हम नहीं, ये चर्चा थी जी, चर्चा थी, मैं नहीं था। तो बोले जहाँ मंच जाएगा वहाँ जाएंगे तो महाराज जी मंच पे ही बहते बहते पटना पहुँच गए थे।
मंच पर बहते हुए। जी हाँ, पचना पटना पहुंच गए। पटना पे जाके जब किनारे लगा, फिर वहीं पे महाराज जी ने अस्थाई मंच बना करके कई महीनों रहा, और वहीं से पटना के जितने भक्त थे महाराज जी के दर्शनों में आते दर्शनों में। तो वहाँ तो उनके लिए अलौकिक दर्शन हो गया होगा कि महाराज जी जो है जी हाँ पहुँच गए पटना। हाँ, अलौकिक दर्शन हुआ और बहुत महाराज जी का महिमा बढ़ा, और पटना के जितने हाई कोर्ट के जज वगैरह सब प्राय वही उनके शिष्य बने थे जो लोग आते थे। अच्छा, वही बने? जी हाँ, पटना से ही। जी हाँ, ये पटना के ही दर्शन में। तो महाराज जी स्वयं, वो तो महाराज जी की मस्ती थी। जी, योगियों का मस्ती होता है। जी, जी, है जिधर कह के आए जी तो उधर अपना चल दिए। जी जी, तो बड़ी संख्या में वहाँ भी भक्त जुड़े। जी हाँ, बड़ी संख्या में जुड़े, कई महीनों तक महाराज जी वहाँ रहे। जी, फिर बाद में भक्त यहाँ से आग्रह करके महाराज जी को फिर वापस लेके आए। जी जी, तो महाराज जी आए। जी, आप लोगों ने तपोनिष्ठ महाराज, पूजनीय महाराज जी, देवराह बाबा जी के बारे में गुरुदेव महाराज जी से जो सुन रहे हैं, उसमें जो जल पे चलने वाली बात है, बहुत सारी कथाएं हम लोगों ने पिताजी से, गुरुदेव महाराज जी से तमाम जगहों पर सुनी है। तो आज जो रहस्य गुरुदेव महाराज जी ने बताया कि अष्ट योग सिद्धियां जो प्राप्त थी गुरुदेव महाराज जी को, उसके माध्यम से चलते थे, और वो कोई कठोर साधक, कोई कठोर तपोनिष्ठ जो बहुत बड़ी साधना करते हैं उन्हें ही मिलती है, और पूजनीय गुरुदेव महाराज जी को, देवराह बाबा जी को ये मिली हुई थी, और जिससे वो पार कर दिया। जी हाँ, कई बार सुनने में लोगों के द्वारा ऐसा भी प्रतीत हुआ था कि महाराज जी हम तो अभी यहाँ दर्शन किए हैं। हाँ, ये बात जो आई है, ये बहुत बड़ी बात बताई आपने। थोड़ी देर बाद आपको वहाँ दर्शन, वहाँ दर्शन हुआ। तो ये है, ये क्या होता है, ये योग से होता है। जी 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 जी, योग में इतनी सिद्धियां हो जाती हैं। जी जी, कि व्यक्ति अपने शरीर को अदृश्य कर लेते, अदृश्य कर लिया करता था वो हवा के द्वारा, हवा के द्वारा हवा में ही विलीन होकर के वो दूसरी जगह दर्शन होता था। जी जी, महाराज जी का भी यहाँ दर्शन हो रहा है, तत्काल पटना में दर्शन हो, तत्काल कहीं अन्यत्र दर्शन होता, ऐसा भी कई बार ऐसे कई भक्तों से हमने भी सुनी है, सुना है, और उसमें ये आश्चर्य लगता था कि वो भक्त कहते थे कि प्रयागराज में इसी समय देखा, तो यमुना जी के किनारे वृंदावन में यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, तो ये सब योग की सिद्धियाँ हैं, योग की अष्ट सिद्धियों के अंतर्गत आता है। उसको उसको जो है योगी लोग अपने शरीर को साधना करते हैं, वायु में विलीन कर देते हैं, जो दूसरे को, अन्य को प्रतीत नहीं होता, दिखाई नहीं देता, अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य, जी हाँ, वो अदृश्य हो जाते हैं। जी जी, और ये देश जो है संत महात्माओं का है ही है, साथ में योग और साधना का भी देश है। जी, कि योग करके कितने बहुत बड़े बड़े योगी बने हैं। जी हाँ जी जी, योग से तो तमाम सब सिद्धियां होती हैं। हनुमान जी को आपने बताया सुना बताया। ही जी जी जी, तो समुद्र ही पार कर जा रहे हैं, समुद्र ही, तो इस प्रकार से आकाश में भी चलने की गति, जल पर चलने की गति, अदृश्य होने की गति, ये सब योग के सिद्धियों के द्वारा होता है। वृंदावन में आप कितने समय तक रहे, कई साल तक रहे गुरुदेव महाराज जी के साथ? महाराज जी, मैं करीब यहाँ 30-32 वर्ष तक महाराज जी का रहा, जब तक महाराज जी का शरीर रहा। वृंदावन में साथ में रहे? जी नहीं, वृंदावन में जब महाराज जी आते थे तब मैं साथ में रहता था, तब आते थे, तब यहाँ मैं वृंदावन के माध्यम से उनकी सेवा में रहता था, सेवा में रहते थे। बाकी ज्यादातर रहना देवरिया रहा, देवरिया। जी जी जी, महाराज जी ने यहाँ शरीर फिर ब्रह्मलीन हुए। जी, तो उस समय यहाँ पर आप थे या फिर? नहीं, यही थे, मैं यही था, यहीं पे थे। जी हाँ, हम लोग वृंदावन में ही थे महाराज जी के पास, और महाराज जी का ब्रह्मरंध्र, यहाँ से योगियों का होता है कि ब्रह्मरंध्र फट करके, तो महाराज जी का जो है यहाँ से। अच्छा जी हाँ, क्योंकि समाधि लगाए थे महाराज जी, समाधि लगाए हुए थे करीब, हाँ करीब एक सप्ताह तक समाधि लगाए हुए थे। हाँ, महाराज जी का दर्शन बंद था। अच्छा, कोई भी नहीं जा सकता था। जी जी, तो महाराज जी ने ऑर्डर रखा कि बच्चा आप कोई समय, हमारा अंतिम समय है, कोई दर्शन। अच्छा, महाराज जी को ने ये बोल दिया था कि हमारा मतलब शरीर है पूरा समय, जब कोई हमारी बाउंड्री के अंदर ना प्रवेश करे, कोई नहीं आए। जी नहीं जी, तो वही महाराज जी का जो है जी वो करीब जी ब्रह्मांड फटा। दिन का समय था या रात्रि? रात्रि के समय, रात्रि का समय, रात्रि के समय करीब वो 3:30 के आसपास। जी जी जी, तो पूरे जगह पर उसी समय तो सूचना और वो सब नहीं, उस समय तो नहीं, बाद में जब सुबह होने, हाँ, कोई वो नहीं मिला, तो बाद में लोगों को जो निजी सेवा में जो रहते थे उनको बाद में पता लगा, तो फिर बाद में जा करके देखा। जी जी जी, तो फिर जो है
चारों तरफ सूचनाएं पहुंची, तब सूचनाएं तब सारी व्यवस्था की जी। तो बहुत सारे क्या सब लोग भी आए थे? बहुत से सारे लोग, मेला लगा हुआ था, भयंकर भीड़। तीसरे दिन समाधि हुई थी महाराज जी, तीसरे दिन। अच्छा, शरीर रखा गया था भक्तों के दर्शन के लिए। प्रशासनिक व्यवस्था थी, यहाँ के जिला अधिकारी थे सदानंद या सदाकांत कुछ ऐसे था नाम जी, जी। वो सारी व्यवस्था सब किए जी। बहुत भयंकर भीड़ थी, बड़े बड़े नेताओं की गाड़ियां, नेता लोग जी, यहाँ जहाँ से पुल बना था केसी घाट से लेकर के जी जी, और महाराज जी के मंच तक गाड़ियों की लाइन लगी थी, गाड़ियों की पूरी लाइन जी। अच्छा, उस समय रास्ता तो कुछ था नहीं? रास्ता नहीं था, वैसे प्लेटें पड़ती थी। अच्छा, प्लेटें डलवाई गई के जाने के लिए। महाराज जी का जब मंच लग जाता था तो नगर पालिका के तरफ से वो प्लेटें बिछाई जाती थी जी। हाँ, प्लेटें बिछाई जाती थी जी जी जी, गाड़ियों के, गाड़ी नेता लोग आते थे तो बिना गाड़ी के तो आएंगे नहीं। हाँ, तो इसीलिए वो ऐसी व्यवस्था की जाती थी जी जी। तो बड़े सारे लोग थे, तीन दिन तक जो है उनका शरीर रखा गया। हाँ, और फिर जो है काफी लोगों ने दर्शन किया। फिर शाम को 4 बजे के लगभग जी महाराज जी का समाधि दी गई। तो महाराज जी उस समय तो आंसुओं का सैलाब भक्तों के आंसुओं का सैलाब भक्तों का सैलाब बहुत भयंकर, लोग तमाम रोते थे गाते थे, परंतु महाराज जी का तो हाँ। और उन्होंने मतलब ये बता दिया कि अब हफ्ते भर जी हाँ जी उसे कोई बोलो नहीं, मेरा समय है। हाँ, मना कर दिए थे, मना कर दिए हमारे बाउंड्री के अंदर कोई ना आए जी, जो निजी सेवा में रहे वही जाता था, एक आदमी जी जी बस जी। तो आप लोगों ने गुरुदेव महाराज जी से सुना बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तपोनिष्ठ संत देवराव बाबा जी के बारे में वो जानते हैं, उनकी जानकारी है। चूँकि सानिध्य बहुत लंबा था, 1967 से जुड़ा हुआ था, तो मुझे लगता है कि अब तक के वीडियो में मैंने बहुत सारी वीडियो पूजनीय तपोनिष्ठ देवराव बाबा जी को बारे में अपलोड की हैं, लेकिन ये वीडियो सबसे अलौकिक, सबसे अनुपम, सबसे अलग होगी, क्योंकि बहुत सारी गूढ़ जानकारियाँ जो समाज तक नहीं है, जो भक्तों तक नहीं है, देश विदेश में जो रिसर्च कर रहे हैं देवराव बाबा जी के बारे में, मुझे लगता है वो जानकारियां यहां महाराज जी के माध्यम से आप सब तक पहुंची होंगी। एक बात बहुत बढ़िया सुंदर महाराज जी ने बताई कि जब वो हिमालय पे चले जाते थे तो बहुत सारे दिव्य संतों का दर्शन करते थे, एक संत होकर, इतने बड़े संत होकर, और भारत के दुनिया के सबसे, भारत के सबसे बड़े बड़े संतों का दर्शन आत्मसाक्षात्कार करते थे, और वो केवल और केवल पूजनीय देवराव बाबा जी ही सकते हैं, क्योंकि योग विद्या के माध्यम से उन्हें तमाम अलौकिक क्रियाएं प्राप्त थी। तो आज मेरा निवेदन है, सारे भारतवर्ष के सनातनियों से निवेदन है, दुनिया भर में अगर आप जहां जहां अलग अलग स्थानों पर भी पहुंचे हैं, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, कनाडा, कहीं पर भी हैं, इस वीडियो को आग्रह कर रहा हूं, पहली बार आग्रह कर रहा हूं, अपने बच्चों को जरूर बताएं, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी को पता चल सके पूजनीय देवराह बाबा जी के बारे में, उनकी अलौकिक शक्तियों के बारे में, और कितने बड़े महान संत थे जो हमारे भारतवर्ष की, हमारी धरती पर उनका अलौकिक प्रकट हुआ, तो वो सारी जानकारियां नई पीढ़ी को भी मिल सके। तो मेरा आग्रह है, निवेदन है, अपने बच्चों को जब भी समय मिले तो इस वीडियो को जरूर दिखाइएगा, जरूर दिखाइएगा, जरूर दिखाइएगा।